भारतीय वायुसेना शॉर्ट नोटिस पर भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। वे पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को तबाह करने में सक्षम है, ये कहना है वायुसेना प्रमुख एसए धनोवा का। पाकिस्तान अगर सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया होगा तो उसे बीएस धनोवा का ये बयान अंदर तक हिला कर रख देगा। एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि हम अन्य फोर्स के साथ मिलकर युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वायुसेना पाकिस्तान न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। अगर दो फ्रंट पर लड़ाई होती है तो हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। भारत ने अभी तक दो फ्रंट पर एक साथ लड़ाई नहीं की है, लेकिन धनोवा ने साफ कर दिया है कि वो चाहे तो एक साथ दोनों फ्रंट पर लड़ सकते हैं। बीएस धनोवा ने ये भी कहा कि मोदी अगर चाहते तो पीओके में वो हवाई हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया। एयरफोर्स चीफ के इस बयान से पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी, और उड़े भी क्यों नहीं। जो देश हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता हो, उसे जवाब जो मिल गया है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।